मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क को उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो कि जिसने जीवन में कभी कोई त्रुटि ही नहीं की, उसने भला जीवन से क्या सीखा। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। सच्चे राजा का यही गुण है कि उसे राज सिंहासन मित्रों के विश्वास, सहयोग और प्रेम से मिले, ये नहीं कि बस बिठा दिया किसी को भी राजगद्दी पर। यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। एक सच्चा नायक बल या छल से नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करके अपने साथियों का नेतृत्व करता है। मित्र बनाए नहीं जाते, अर्जित किए जाते हैं। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। एक बात और चंद्र, सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते, सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ कि शत्रु जो चाल चले उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो, और जब शत्रु असावधान हो जाए उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आंखें मूंद कर उसके बारे में स्वप्न देखना लाभदायक होगा। युद्ध में जिन जिन परिस्थितियों की योजनाएं बनाई जाती हैं, स्वप्न में उन परिस्थितियों के बीच स्वयं को देखना, घटनाओं के घटित होने से पहले स्वप्न में घटनाओं में जी लेना, यह भी एक प्रकार की तैयारी ही होती है। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए मात्र उचित योजना ही आवश्यक नहीं, उस योजना में संपूर्ण आस्था की भी आवश्यकता होती है। योजना यदि अच्छी है तो उस अभियान को पूरा करने वाले निर्णय भी अच्छे होंगे। इसलिए गुणीजन कह गए, अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले स्वप्नों को भी जीवंत बना सकते। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं, पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म अच्छे ही फल। सदैव याद रखो, युद्ध कला को मुख्य 5 तत्व नियंत्रित करते हैं, स्वर्ग या भाग्य, धरती या कर्म, सेनापति, संचालन विधि
एवं अनुशासन और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक नियम। नैतिक नियम वो नियम होता है जिसमें प्रभाव और विश्वास के कारण प्रजा अपने राजा के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। राजा के प्रति यह प्रतिबद्धता एक ऐसा नैतिक जाल होता है जिसमें उलझाकर आप जनता से जो चाहे करवा सकते हैं। आप जनता को आशा के जाल में इस नैतिकता से उलझा सकते हैं जबकि वास्तविकता में आशा हो ही ना। आप इस नैतिक जाल की सहायता से जनता को आशा ना होते हुए भी यह विश्वास दिला सकते हैं कि आशा है। इस तरह से आप उनके स्वाभिमान को उकसा सकते हैं, उनके आत्मविमान को उबार सकते हैं कि वे अपने लिए अन्य विकल्पों के होने के उपरांत भी आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। समय का धड़कने वाला हृदय ही संभावना होती है। भले ही ये लोग आज तुम्हें नहीं सुन रहे चंद्रकांत, किंतु जब ये तुम्हें समझेंगे तब तुम्हें सुनेंगे भी और तुम्हारा साथ भी देंगे। बस तुम्हें उचित समय की प्रतीक्षा ही तो करनी है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है। अच्छे और बुरे लोगों में अंतर होता है आत्मा का। होता क्या है चंद्रगुप्त कि कभी कभी अच्छे लोग बुरों को सबक सिखाते समय अपनी आत्मा की मूल अच्छाई को ही भूल जाते हैं। वो बुरों जैसे हो जाते हैं। इस बारीक अंतर को सदैव याद रखो चंद्रगुप्त, क्योंकि यही अंतर मानव को पशु होने से बचाता भी है। बुरों को पाठ पढ़ाओ किंतु ऐसा करते समय पशु मत बन जाओ। नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर ये संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। इच्छित विद्या अपनों से, परायों से, मित्रों से मिले या शत्रुओं से, हर मूल्य पर उसका लक्ष्य केवल विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो। लोगों के हित को समझना, उनका विश्वास जीतना कठिन है किंतु करना होगा उसे ये सब। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें, तो उनसे बहुत संभल कर रहना। नेता वो है जो दल के हर सदस्य को साथ ले, उनकी क्षमताओं का उचित उपयोग ले और हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे।
व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख, राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बढ़। सुनना सबके चंद्रगुप्त, किंतु करना अपने मन की। और एक बात, मित्र हो चाहे शत्रु, प्यार से सभी को जीता जा सकता है।